नमस्कार, दिनभर की ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जीएसटी के लिए व्यापारियों की बैठक हुई, अधिकारियों द्वारा सवाल जवाब किए गए और इस पूरे मसले को समझने की कोशिशें की गई। इसके अलावा कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए दूसरा चरण समाप्त हो चुका है, तीसरे चरण के लिए 19 जुलाई से लाइन फिर से खुलेगी। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। कॉलेज में प्रवेश लेने का दूसरा चरण हुआ समाप्त, तीसरे चरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 19 जुलाई से होगी शुरू। जीएसटी को लेकर अभी भी व्यापारियों और अधिकारियों में ऊहापोह की स्थिति। व्यापारियों से संवाद के लिए डेरा पहाड़ी में आयोजित किया गया कार्यक्रम। व्यापारी महासभा गहोई समाज और नामदेव समाज द्वारा 101 पौधों का किया गया रोपण। पौधों को बचाने की ली गई सामूहिक जिम्मेदारी। और लवकुश नगर में बस स्टैंड पर फैला हुआ अतिक्रमण नगर परिषद और पुलिस के सहयोग से हटाया। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों को विस्तार। महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए दूसरा चरण भी संपन्न हो चुका है, उसके लिए सोमवार को फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। अब जिन स्टूडेंट को मनचाहा कॉलेज नहीं मिला है, वे 19 तारीख से तीसरे चरण के शुरू होने का इंतजार कर सकते हैं। इसके बाद वे रजिस्ट्रेशन कराएं और अगर तब भी उनको ठीक ठाक कॉलेज या मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता है तो वे अंतिम चरण यानी कि CLC यानी कॉलेज लेवल काउंसलिंग का इंतजार कर सकते हैं और यहाँ अपने मनचाहे कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस चल रहा है और उसका दूसरा राउंड समापन की ओर है। दूसरे राउंड में जिसने जिस कॉलेज में एडमिशन पाया है और अगर वो उसके मन का कॉलेज है तो वहाँ जाके उसके फीस जमा करना है, लास्ट डेट है। और अगर उसे लगता है कि उसे और किसी कॉलेज में जाना था, वो नहीं मिल पाया परसेंट कम होने से, तो उसे फीस जमा ना करके उसे इंतज़ार करना है 19 तारीख का। ऐसे लोग जो किसी कारण से अभी तक पंजीयन नहीं करा पाए हैं या ऐसे लोग जिनको अपने मनमाफिक कॉलेज नहीं मिला है या मनमाफिक विषय नहीं मिले हैं, तो 19 तारीख से उन्हें तीसरे राउंड में रिचॉइस करनी है। रविवार की शाम को डेरा पहाड़ी में व्यापारियों के लिए संवाद का आयोजन किया गया जो कि GST को लेकर था। दरअसल GST को लेकर अभी भी व्यापारियों में स्थिति क्लियर नहीं है कि आखिरकार कौन से व्यापारी GST के अंतर्गत आते हैं, किनको रजिस्ट्रेशन कराना है और वे अपने माल का हिसाब किताब कैसे रख सकेंगे। इस बात को लेकर अधिकारियों द्वारा व्यापारियों से सीधा संवाद स्थापित किया गया। ये हमारे छतरपुर के व्यापार महासंघ ने व्यापारियों की शंकाओं के समाधान के लिए एक GST पर कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसके अंदर हमारे विभाग से और छतरपुर विभाग से अधिकारी है। GST के संबंध में व्यापारियों की जो शंका है उनका निदान इस कार्यशाला में किया जाएगा। क्या रेट ऑफ टैक्स को लेकर ज़्यादा है, GST में नए रेट ऑफ टैक्स और उसके स्लैब आए हैं, कंपोजिशन का भी समय आ गया है तो कंपोजिशन के संबंध में भी इनको बताया गया है। जो कंपोजिशन लेना चाह रहे हैं वो कंपोजिशन किन के लिए फ़ायदेमंद होगा और किन को ले लेना चाहिए, क्योंकि कंपोजिशन की लास्ट डेट 21 जुलाई है, जिसमें कम समय बचा है। 21 जुलाई से पहले इनको कंपोजिशन ले लेना है, अन्यथा ये कंपोजिशन नहीं ले पाएंगे, फिर अगले साल 1 अप्रैल को ही ये कंपोजिशन के लिए जा सकते हैं। GST के संबंध में लोगों में, व्यापारियों में कुछ भ्रांतियाँ हैं, उनके संबंध में जिला व्यापारी महासंघ द्वारा एक व्यापारियों का एक विशेष समीक्षा बैठक यहाँ की गई है। इसमें जो हमारे सेल्स विभाग के जिले के अधिकारी शीर्ष पदाधिकारी, उन्होंने इस बैठक में व्यापारियों को विस्तारपूर्वक GST के बारे में समझाया और उन्होंने जो विस्तार से समझाया उससे ये महसूस किया गया कि GST से व्यापारियों को फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं। व्यापारी जिला महासंघ ने एक GST के संवाद का आयोजन रखा है, जिसमें हमारे छतरपुर जिले सागर संभाग से अधिकारी महोदय आए हुए हैं। उनके द्वारा हम लोगों को GST में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसके संबंध सुझाव समाधान बताए जा रहे हैं और
जैसे मैं ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता हूँ, मुझे क्या टैक्स लगना है, कब रिबेट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इस संबंध में हमने साहब से चर्चा की, उन्होंने मेरे शंका समाधान किया। और जो भी भाइयों को व्यापारियों को जीएसटी के संबंध में जो भी परेशानियां हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं, सभी का सर ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। हम सभी व्यापारी बंधु सेल्टेक अधिकारियों के ऋणी हैं। जिला व्यापारी महासभा गोहोई समाज और नामदेव समाज द्वारा सामूहिक रूप से धनुषधारी मंदिर में वृक्षारोपण किया गया। यहाँ पर 101 पौधे रोपे गए और सभी ने संकल्प लिया कि इन पौधों को जीवित रखा जाएगा, सभी लोग सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। नामदेव समाज यहाँ वृक्षारोपण संकट मोचन मंदिर में करने आई है। इसका ये रीजन है कि संकट मोचन वालों ने, ट्रस्ट वालों ने और मंदिर वालों ने नामदेव समाज को मंदिर देने के लिए जमीन दी है, जिसके उपलक्ष्य में नामदेव मंदिर और धर्मशाला यहाँ बनाई जानी है। इसके उपरांत ये वृक्षारोपण का प्रोग्राम किया गया है, इसीलिए राजेंद्र अग्रवाल जी के से सौजन्य से हम नामदेव समाज पूरी आई है। पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार का रीवा के लिए स्थानांतरण हो गया है और इसको लेकर अब विदाई समारोह का सिलसिला शुरू हो गया है। नगर पालिका द्वारा पुलिस अधीक्षक को विदाई दी गई। इस मौके पर कलेक्टर रमेश भंडारी, नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के अलावा नगर पालिका के कर्मचारी और वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे। सबसे ज्यादा अगर ललित यहाँ से जा रहा है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो मेरे साथ आएगी, क्योंकि कलेक्टर तो एक न्यायाधीश या पूरे प्रशासन के दूरी के जो पहिए होते हैं। जब मेरी पोस्टिंग यहाँ की ललित से पहली मुलाकात हुई तो आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि वो एसपी है, मैं कलेक्टर हूँ। हमेशा कोई बात होती थी, कोई समस्या आती थी, हम जब चर्चा करते तो एसपी साहब एक डायलॉग बोलते थे, मैं होना सर आप निश्चित रहें, आप तो प्लान करें इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्योंकि दो साल का कार्यकाल अमूमन तौर पर निकल जाता है, आप क्या करते हो, लोग भी इस पर रहते कि दो साल से ज़्यादा नहीं रह पाएगा और फिर चले जाएंगे दूसरा पोस्ट। लेकिन उसके दो साल बाद उस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर वो बड़ी टेढ़ी थी। लेकिन आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के जो छतरपुर में जो मैं कहता हूँ कि एक संस्कार की राजधानी, संस्कृति और नेचुरल ब्यूटी से तो ओवरग्रोथ है ही, लेकिन यहाँ पर जो लोग मैंने देखे हैं, मैंने उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि जो पारिवारिक संस्कार है, चाहे वो किसी भी परिवार के रहें, वो इतने ऊपर हैं कि ये पता नहीं पड़ता कि आप पुलिस वाले हो कि वो पुलिस वाले। कई बार तो मुझे लगता था कि मेरे पास 1500 लोगों की फोर्स है, लेकिन कई बार मौकों पर मैंने गुड्डू भाई को ही फ़ोन किया कि गुड्डू भाई आप जाओ वहाँ समझाओ, तो मुझे लगता था कि 1500 लोग नहीं है मेरे पास, मेरे पास 15000 की फोर्स है, जो कि मैं यदि कुछ बोलूँ, कोई आग्रह करूँ तो वो मानते हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर में रहा हो और सभी ने फिर कंधे से कंधा मिला के काम किया। कर्म क्षेत्र में हमसे जिससे हम परिचित होते हैं, निश्चित रूप से अगर वो हमारे ऊपर छाप छोड़ जाता है तो उसकी चर्चा हमेशा होती रहती है और वर्षों तक होती रहती है। और एक अधिकारी के रूप में और एक अच्छे इंसान के रूप में ललित भैया की चर्चा भी अब मुझे नहीं लगता कि छतरपुर में बहुत वर्षों तक ये चर्चा होने वाली है। अभी भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी अधिकारी कभी बहुत साल पहले यहाँ पर अच्छा आया होगा, उसकी चर्चा अभी भी होती है। जिला मजदूर संघ द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्रसाल चौराहे पर मजदूरों के लिए बनाए गए टीन शेड का लोकार्पण नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा किया गया।
इस मौके पर गिरजा पाटकार हरेंद्र सिंह चंदेल, जन अभियान परिषद के जिला प्रमुख आशीष ताम्रकार, भालचंद्र नातू और श्रम अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में मजदूर भी मौके पर उपस्थित थे। डाक खाने मजदूर संघ का कार्यक्रम था, क्योंकि पिछले मजदूर संघ के कार्यक्रम में, स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जब मैं वहाँ पहुँची थी तो वहाँ के मजदूरों ने मुझसे मांग रखी थी कि डाक खाने मजदूर जब खड़े होते हैं तो धूप और गर्मी, सर्दी, बरसात, इन सारी चीज़ों का सामना सुबह सुबह मजदूरों को करना पड़ता है। और वास्तव में जब सर्दियाँ होती हैं तो हाड़ कपाने वाली सर्दी होती है, और जब बरसात होती है तो कभी कभी ओले पड़ने जैसी समस्या हो जाती है, और कभी कभी गर्मी इतनी भीषण होती है कि एक स्वस्थ आदमी भी बीमार पड़ जाता है। तो ऐसे में उन्होंने हमसे शेड का निर्माण का यहाँ पे बात कही थी, जो कि उसको स्वीकार करते हुए यहाँ पर शेड का निर्माण कराया गया। आज उसी का लोकार्पण कार्यक्रम किया। आज भारतीय मजदूर संघ की ओर से शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आज यहाँ भारतीय मजदूर संघ का एक जागरूकता शिविर लगाया गया था, और इस शिविर में लोगों को जागरूक कराया गया है, मजदूरों को जागरूक कराया गया है कि आप लोग श्रम कार्ड जरूर अपने मजदूर कार्ड बनवाइए और शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाइए। और इसके साथ साथ आज यहाँ पर हमारे मजदूरों के लिए टीन सेट का निर्माण कराया गया था श्रम विभाग के माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष जी के द्वारा। रामपुर गांव से लगभग 20 लोगों का जत्था चित्रकूट के लिए रवाना हुआ है। ये पैदल जत्था लगभग 5 दिनों में चित्रकूट पहुंचेगा और वहां पर अच्छी बारिश के लिए मनोती मानेगा। गांव रामपुर ग्राम से सभी लोग हर साल मतलब चित्रकूट के लिए पैदल यात्रा करते हैं, और इसी मनोकामना के साथ कहते हैं कि जिले में अच्छी बारिश हो और अच्छी खुशहाली रहे। बारिश की वजह से सभी प्रकार से मतलब के आया कि फसलें अच्छी हों, और सभी के लिए मनोकामना कहते हैं कि मतलब सभी लोग खुशहाल रहें। जीएसटी का चक्कर अभी भी व्यापारियों के समझ से परे है, तो वहीं अधिकारी भी इसको पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे। यही वजह है कि लकड़ी की नीलामी को निरस्त करना पड़ा। महोबा रोड पर वन डिपो में यहाँ टिम्बर व्यवसायी इकट्ठे हुए थे, लेकिन जीएसटी का मामला पूरी तरीके से समझ ना आ पाने की वजह से 15 लाख रुपए की लकड़ी की ये नीलामी फिलहाल निरस्त कर दी गई। 17/7/2017 नीलाम का बहिष्कार मतलब किया जीएसटी के विरोध में, क्योंकि वन विभाग वालों के पास जीएसटी नंबर नहीं है, शासन के द्वारा इनको प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए नीलाम का बहिष्कार समस्त ठेकेदारों ने किया। आज की नीलाम लगभग मतलब 20 लाख रुपए करीब का माल कम से कम बिकता शासन का। सिविलाइन रोड पर भगवान लड्डू गोपाल का मंदिर बनाए जाना प्रस्तावित था। कई साल पहले ये कवायद शुरू हुई थी और कुछ संगठनों ने इस मामले में अग्रणी भूमिका निभाई थी, लेकिन अब इस मामले में आजाद शक्ति सेवा द्वारा कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग अगुआ थे उन लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उसका गबन किया है, जबकि मंदिर का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। इस बात को लेकर जांच कराए जाने की मांग की है। देखिए, विगत 7-8 वर्ष पूर्व लड्डू गोपाल मंदिर निर्माण के लिए कुछ समाज सेवियों ने, कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा किया था मंदिर निर्माण के लिए, लेकिन मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया और ना ही इसका कुछ पता चला है कि कितना चंदा जुड़ा था, क्या है। तो आजाद शक्ति सेना यह मांग करता है, 7-8 साल हो गए तो पूरा छतरपुर की जनता और छतरपुर पूरा शहर की जनता ये चाहती है कि जितना भी चंदा हुआ था उसमें मीडिया के सामने और पूरी छतरपुर शहर की जनता के सामने कितना खर्च हो गया, क्या हो गया, उसमें यदि पैसों की कमी आ गई तो छतरपुर की जनता फिर से पैसे इकट्ठा करके सहयोग करेगी, लेकिन लड्डू गोपाल मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए, आजाद शक्ति सेना यह मांग करती है। लवकुश नगर में बस स्टैंड और अन्य जगहों पर अतिक्रमण पसरा हुआ था, जिसकी शिकायत बार बार लोगों द्वारा की जा रही थी। बस स्टैंड पर अतिक्रमण होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सोमवार को प्रशासन ने यहां अतिक्रमण हटाया। इस मामले में नगर परिषद और पुलिस संयुक्त रूप से सामने आए, और जो लोग भी दुकानदार अतिक्रमण फैलाए हुए थे उनको हटाया गया। यहां पे कहना चाहिए नगर पालिका परिषद द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा एक अच्छा कराया काम हुआ है कि यात्रियों को आने जाने में बड़ी परेशानी होती थी, और
पुलिस के द्वारा यह अतिक्रमण हटाए गए और नगर परिषद द्वारा अच्छे सराहनीय काम किया है। अध्यक्ष एवं थाना प्रभारी एवं मैं साथ में रहा, नगर का भ्रमण किया, बस स्टैंड का मुआयना किया, वहाँ अत्यधिक अतिक्रमण था, उसको कामदारों द्वारा नकली लिए गए थे, जिसके बाद थाना प्रभारी के सहयोग से और नगर पालिका के अंदर लगातार अतिक्रमण समाप्त कराया और वहाँ साफ सफाई सुचारू रूप से कराई। यादव महासभा की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खासतौर पर प्रधानमंत्री को एक लेटर भी लिखा गया और उनके नाम एक पत्र भी जारी किया गया। एक पोस्टकार्ड का उद्घाटन किया गया। यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर पुष्पेंद्र यादव इस मौके पर उपस्थित थे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा गया कि सेना में एक अहिर रेजिमेंट की स्थापना भी की जानी चाहिए। प्रमुख जो पोस्टकार्ड अभियान चल रहा है हमारा, आज जो पोस्टकार्ड अभियान शुरुआत की गई है सभी की उपस्थिति में, ये पोस्टकार्ड अभियान प्रधानमंत्री जी के नाम हमारी मांग को लेकर भेजे जाएंगे। पूरे जिले से 10,000 पोस्टकार्ड छतरपुर जिले से गांव-गांव से भेजे जाएंगे। इसकी आज शुरुआत हुई है और गांव-गांव आगे ये प्रोग्राम चलाए जाएंगे। ये हमारा विषय था। संगठन का जो हमारा उद्देश्य है कि हमारे यादव समाज के युवाओं को हम जागरूक करके उनको समाज के कार्यों में प्रेरित करेंगे। जो हमारे आज नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं कपिल यादव शहर जिलाध्यक्ष, इनके साथ हमारे ग्रामीण जिलाध्यक्ष सभी लोग मिलकर पंचायत स्तर पर वार्ड स्तर पर संगठन को खड़ा करेंगे और एक पंचायत स्तर पर पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाएंगे। वो पंचायत अध्यक्ष तक एक कार्यकारिणी गठित करेंगे। बड़ी बलेरा के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। दरअसल 25 मई को प्रहलाद सिंह के पिता की एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई थी। पहले दौर में ये महज एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन बाद में ये आशंका जताई गई कि बृजकिशोर पटेल द्वारा जानबूझकर एक्सीडेंट करके प्रहलाद के पिता को मारा गया है। इस मामले में प्रहलाद सिंह ने कार्यवाही की मांग की है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था 26 तारीख को 9:30 बजे के समय। इसके 30 दिन बाद जो पिताजी के साथ में बैठा था अशोक पटेल और हल्के पटेल, उसने 20 दिन बाद हम लोगों ने सुराग लगाया, जानकारी मिल गई ये मुलजिम थे। इसके बाद मुलजिम को पकड़ कर पुलिस के माध्यम से थाने में ले आए और TI साहब ने बगैर जाँच उनको छोड़ दिया। इसके बाद शाम को बुलाया और उनके बाद FIR हम लोगों ने कहा, जैसे कि बब्बी ने पहचान ली, उनका नाम था अशोक पटेल और बब्बी जो उनके साथ में बैठा था। TI साहब के सामने उसने शनाख्त की, तो TI साहब ने 20 लोगों के सामने मुलजिम को बैठाया और इसकी पहचान करवाई, तो इसने 20 लोगों में पहचान लिया। इसके बाद हम लोगों ने कहा अब इनकी FIR दर्ज कीजिए, तो TI साहब ने हम लोगों से ये कहा कि तुम आपस में समझ लीजिए, समझौता कर लीजिए, FIR मत लिखवाएं। और हम लोगों से कहा जाँच करेंगे, देखेंगे क्या हुआ। इसके बाद अभी भी उनने सही जांच अभी तक नहीं कर पाए। लवकुश नगर की खपटिया में रहने वाले कैलाश पटेल ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। उसका कहना है कि उसने अपनी बहन की शादी महाराजपुर थाने के अंतर्गत एक गांव में की थी। कुछ दिनों तक तो ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद उसकी बहन को परेशान किया जाने लगा और पिछले 5-6 दिनों से उसकी बहन लापता है। इस मामले में महाराजपुर थाना पुलिस द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। सर, मैंने अपनी 10 साल पहले मैंने अपनी बहन की समर्था ग्राम में शादी की थी, जो महाराजपुर थाने में। आज की 4-5 दिन से मेरी बहन को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि पैर काट दिए जाएंगे। तो उन्होंने हमको फ़ोन भी किया, तो हमने कहा ठीक है, अगर कोई समस्या आती है तो हम उसको अपनी बहन को डांटेंगे, ठीक है। इसके बाद 4-5 दिन लगातार मारते हुए हो गया। फिर इसके बाद जब फ़ोन आया मेरी बहनों साहब का, तो उन्होंने बोला कि लापता है और अब पता नहीं, 4-5 दिन से बहन का पता नहीं है। मैंने 15 तारीख को महाराजपुर थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई है और इसके बावजूद भी रिपोर्ट वहाँ पर कुछ भी पैसे ऐसे भर के जो भी किया हो पता नहीं, वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ना पुलिस सुनवाई हो रही है। हम लोग कलेक्ट्रेट में हमने यहाँ पर आवेदन दिया है SP ऑफिस में। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कॉलेज में प्रवेश लेने का दूसरा चरण हुआ समाप्त, तीसरे चरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 19 जुलाई से होगी शुरू। GST को लेकर अभी भी व्यापारियों और अधिकारियों में ऊहापोह की स्थिति। व्यापारियों से संवाद के लिए डेरा पहाड़ी में आयोजित किया गया कार्यक्रम।
व्यापारी महासभा गहोई समाज और नामदेव समाज द्वारा 101 पौधों का किया गया रोपण। पौधों को बचाने की ली गई सामूहिक जिम्मेदारी। और लवकुश नगर में बस स्टैंड पर फैला हुआ अतिक्रमण नगर परिषद और पुलिस के सहयोग से हटाया।